नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक उपाध्याय कोणों और कोणों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। हमारे आसपास की भौतिक जगत में एवं संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तुएं हैं वो किसी न किसी आकृति के रूप में हैं। गणित की वह शाखा जिसमें आकृतियों का अध्ययन किया जाता है ज्यामिति कहलाती है। ज्यामिति शब्द अंग्रेजी में ज्योमेट्री का हिंदी रूपांतरण है। ज्योमेट्री यूनानी भाषा के शब्द ज्योमेट्रन का अंग्रेजी समानार्थी है। ज्योमेट्रन दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मेट्रन। जियो का अर्थ है भूमि एवं मेट्रन का अर्थ है मापना। कोणों एवं कोणों के प्रकार को जानने से पहले हम बिंदु के बारे में जानेंगे। बिंदु लगभग न दिखाई पड़ने वाली एक ज्यामितीय आकृति है। सामान्यतया बिंदु विमा विहीन होती है। बिंदु से हमें एक स्थिति अथवा अवस्थित निर्धारण का बोध होता है। अगर हम बिंदुओं के उदाहरण के बारे में सोचना चाहें या देखना चाहें तो प्रकार का एक सिरा अगर इसे कागज़ के एक टुकड़े पर रखा जाए तो बिंदु की आकृति प्राप्त होती है। पेंसिल के नुकीले सिरे को भी पेपर पर रखने से जो आकृति प्राप्त होगी उसे हम बिंदु कह सकते हैं। उसी तरह से सुई का नुकीला सिरा भी बिंदु बनाता है। यदि हम किसी कागज़ पर मान लीजिए कि तीन बिंदु को अंकित करें तो इनमें भेद बताने की निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हमें अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए बी सी इत्यादि से व्यक्त करने की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इन बिंदुओं को बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी से व्यक्त किया जा सकता है एवं पढ़ा जा सकता है। निसंदेह बिंदु बहुत छोटे होने चाहिए। रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होने वाली ज्यामितीय आकृति को रेखाखंड कहते हैं। बिंदु पी और क्यू दो बिंदु हैं, इनको मिलाने से जो ज्यामितीय आकृति प्राप्त हुई है चित्र एक में उसे हम रेखाखंड कह सकते हैं। पी और क्यू बिंदुओं को कई तरीके से मिलाया जा सकता है, लेकिन जो पी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी को व्यक्त करे वही रेखाखंड है। रेखाखंड के बाद रेखा क्या होती है? रेखा किसी रेखाखंड के दोनों बिंदुओं को अपनी अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाने पर प्राप्त ज्यामिति आकृति होती है। जैसे कि सरल रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समानांतर रेखाएं, किरण इत्यादि। चित्र में ए बी एक रेखा है जिसे ए के सिरे पर अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है और बी के सिरे से भी अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। किरण रेखा का ऐसा भाग जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के आगे बढ़ता है किरण कहलाता है। चित्र में ओ पी किरण है। आप देख सकते हैं कि बिंदु पी को आगे बढ़ाया जा सकता है और ये अपरिमित रूप से आगे बढ़ सकता है। किरण में बिंदु पी की तरफ से बढ़ाने पर, एक साइड से बढ़ाने पर हमें एक रेखा जैसा ही चित्र प्राप्त होता है, लेकिन रेखा दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। रेखाखंड को दोनों तरफ बढ़ा के रेखा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रेखाखंड को सिर्फ अगर एक तरफ एक सिरे पर बढ़ाया जाए तो हमें किरण प्राप्त होगी। किरण का नाम आप पहले भी सुने होंगे, जैसे बल्ब से निकलती हुई रोशनी में भी किरण देख सकते हैं, सूर्य की किरणें देख सकते हैं, टॉर्च से निकली हुई प्रकाश में किरणें देख सकते हैं। ये सब किरण के सामान्य उदाहरण हैं। रेखाखंड के दो अंत बिंदु, किरण का एक अंत बिंदु और रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। चित्र में एक रेखा L1 है, दूसरी रेखा L2 है। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे से होकर गुजरती हैं, एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उसे बिंदु P कहेंगे हम, और यह बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा।
उदाहरण के लिए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका के दो संलग्न किनारे देख सकते हैं, वहाँ भी प्रतिच्छेदी बिंदु मिल सकता है। अंग्रेजी का वर्णमाला का अक्षर एक्स एक दूसरे को जहाँ कट करता है वो प्रतिच्छेदी बिंदु है। रोड पर चलते हुए परस्पर काटती हुई सड़कें भी प्रतिच्छेदी बिंदु बनाती हैं। समानांतर रेखाएं, दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसे हम ए बी सी डी एल वन एल टू से प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि दो रेखाएं ए बी और सी डी समानांतर हों तो उन्हें सांकेतिक रूप में ए बी समानांतर सी डी, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, पढ़ा जाएगा। चित्र में ए बी सी डी एक मेज है, आप इसमें भी समानांतर रेखाएं देख सकते हैं। रेखा ए बी रेखा सी डी के समानांतर है, रेखा ए एच रेखा डी ई के समानांतर है, रेखा सी एफ रेखा बी जी के समानांतर है। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा एक ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। चित्र में L और M दो भिन्न रेखाएं हैं तथा P एक रेखा है जो L और M दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए L और M की P एक तिर्यक रेखा कहलाएगी। जबकि चित्र दो में L, M और P रेखाएं तो हैं लेकिन वो एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं, इसलिए यहाँ पर तिर्यक रेखा नहीं है। कोण, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं एवं उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम बिंदु को लें और उन बिंदुओं को मिला करके रेखाखंड बनाएं और फिर दो रेखाखंडों को इस तरह से मिलाएं कि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु हो तो हमें कोण प्राप्त होता है। चित्र में AP और AD दो किरण हैं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु A है, तो इस तरह से हमें PAD एक कोण प्राप्त होगा। दूसरे चित्र में O उभयनिष्ठ बिंदु है, OQ एक किरण है, OP दूसरी किरण है, तो इस प्रकार से POQ कोण हमें मिलता है। रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने पर कोण का निर्माण होता है। यह आवश्यक नहीं है कि किरण से ही कोण बने, रेखाखंड भी अगर उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलते हैं, एक सिरे अगर उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलते हैं तो कोण का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि तीन अरेखीय बिंदुओं द्वारा बनी ज्यामितीय आकृति कोण कहलाती है। बिंदुओं ए बी सी की स्थिति के आधार पर कोण के भिन्न आकार हो सकते हैं, जैसे कि बी ए सी कोण का आकार दूसरा है, दूसरे चित्र में बी ए सी कोण का आकार दूसरा है और तीसरे चित्र में कोण का आकार दूसरा है। इस प्रकार बिंदुओं की स्थिति बदलने पर बिंदु बी की स्थिति तीनों ही चित्र में अलग अलग है और इसी के कारण तीनों कोण अलग अलग माप के हैं। कोण का मापन कैसे होता है, आइए हम जानें। कोण के मापन की इकाई डिग्री होती है तथा जिस ज्यामितीय यंत्र द्वारा कोण का मापन होता है उसे चांदा कहा जाता है। चित्र में 40 अंश के कोण को और 135 अंश के कोण को दर्शाया गया है। कोण के मापन के लिए हमें घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलना होता है। कोण के विभिन्न प्रकार, कोण के कई प्रकार हो सकते हैं। पहला न्यून कोण, ऐसा कोण जो 0 अंश से अधिक का हो और 90 अंश से कम का हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। चित्र ए में सभी कोण न्यून कोण हैं क्योंकि उनकी माप 0 से 90 अंश के बीच की है। समकोण, 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है। चित्र बी में 3 समकोण दिखाए गए हैं, सभी का माप 90 अंश है अतः ये समकोण है। अधिक कोण, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। चित्र सी में अधिक कोण दर्शाए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। पूरक कोण, जब दो कोणों की माप
का योग 90 अंश हो तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है। चित्र एक और दो में एक कोण 30 अंश का है, दूसरा कोण 60 अंश का है, अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। चित्र दो में एक कोण 35 अंश का है, दूसरा कोण चित्र तीन में एक कोण 35 अंश का है और चित्र चार में दूसरा कोण 65 अंश का है। चूंकि इन दोनों कोणों के मापों का योग 90 अंश नहीं है, इसलिए चित्र तीन और चित्र चार के कोण एक दूसरे के पूरक कोण नहीं होंगे। यह बात आप समझ सकते हैं, केवल दो न्यून कोण ही एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं। संपूरक कोण, जब दो कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहा जाता है। चित्र एक में पहला कोण 60 अंश का है और दूसरा कोण 120 अंश का है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहे जाएंगे। इसी प्रकार चित्र दो में 68 अंश और 112 अंश का कोण है, चित्र तीन में 100 अंश और 80 अंश का कोण है, चित्र चार में 135 अंश और 45 अंश के कोण हैं। संपूरक कोण होने के लिए दोनों कोण समकोण होंगे अथवा एक न्यून कोण एवं एक अधिक कोण होगा। समझ सकते हैं आप, चूंकि दो कोणों के माप का योग 180 अंश होना है, ऐसी स्थिति में दोनों कोण या तो समकोण होंगे अथवा एक न्यून कोण एवं एक अधिक कोण होगा। दो न्यून कोण कभी एक दूसरे के संपूरक कोण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि न्यून कोण सदैव ही 90 अंश से कम का कोण होगा और ऐसी स्थिति में दो कोणों के माप का योग 180 अंश कभी नहीं हो सकता, इसलिए दो न्यून कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कभी नहीं हो सकते। इसी प्रकार दो अधिक कोण कभी एक दूसरे के संपूरक कोण नहीं हो सकते, क्योंकि अधिक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। जब कोण 90 अंश से अधिक हुआ होगा, दूसरा कोण भी 90 अंश से अधिक का होगा और 180 अंश से कम का होगा, तो कभी भी दो कोणों का योग 180 अंश नहीं होगा। आसन्न कोण, कोणों का ऐसा युग्म जिनमें शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो आसन्न कोण कहे जाते हैं। जब हम पुस्तक खोलते हैं तो हमें चित्र जैसी आकृति दिखाई देती है। ए और बी में हम कोणों का एक ऐसा युग्म पाते हैं जिसमें एक कोण दूसरे के साथ संलग्न है, अथवा हम किसी कार के स्टीयरिंग व्हील को जब देखते हैं तो व्हील के केंद्र बिंदु पर तीन कोण पाए जाते हैं जिनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे के साथ संलग्न होते हैं। ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहा जाता है। लेकिन आसन्न कोणों में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। दो आसन्न कोण एक दूसरे के संपूरक एवं पूरक हो सकते हैं। चित्र एक में दो कोण हैं, कोण एक एवं कोण दो, दोनों में एक उभयनिष्ठ रेखा है जबकि कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, अतः ये आसन्न कोण हैं। उसी प्रकार चित्र दो में भी कोण एक एवं कोण दो आसन्न कोण हैं। चित्र तीन में चूंकि उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, दोनों के शीर्ष अलग अलग हैं, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं है। उसी प्रकार से चित्र चार में शीर्ष बिंदु तो उभयनिष्ठ है लेकिन दोनों कोणों के मध्य एक दूसरा उभयनिष्ठ बिंदु भी है, जबकि आसन्न कोणों में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, इसलिए चित्र चार के कोण आसन्न कोण नहीं है। आप देख सकते हैं चित्र पाँच के कोण आसन्न कोण हैं। रैखिक युग्म, ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनमें गैर उभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत किरणें होती हैं। रैखिक युग्म कोण एक एवं कोण दो को आप देख सकते हैं, जो गैर उभयनिष्ठ भुजा है वो एक दूसरे के विपरीत है, जबकि दूसरे चित्र में जो रैखिक युग्म नहीं है उसमें गैर उभयनिष्ठ भुजा एक दूसरे के विपरीत नहीं है, इसलिए इन्हें रैखिक युग्म नहीं कहेंगे। दैनिक जीवन के उदाहरण में सब्जी काटने वाला पट
काटने वाले ब्लेड पट के साथ कोणों का एक रैखिक युग्म बनाता है, या पेन स्टैंड स्टैंड के साथ कोणों का एक रैखिक युग्म बनाता है। रैखिक युग्म के कोण संपूरक कोण होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं रैखिक युग्म के कोण संपूरक होंगे, लेकिन दोनों रेखाएं एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। संपूरक कोणों का युग्म रैखिक युग्म तभी बनाता है जब प्रत्येक कोण को दूसरे के आसन रखा जाए। चित्र में एक कोण 140 अंश है, दूसरा कोण 40 अंश का है। अगर इन्हें एक दूसरे के आसन रखा जाएगा तो ये रैखिक युग्म बना सकते हैं। दो अधिक कोण रैखिक युग्म नहीं बना सकते, क्योंकि उनके कोणों का योग 180 अंश से अधिक हो जाएगा और वो रैखिक युग्म नहीं बन पाएगा। दो न्यून कोण रैखिक युग्म नहीं बना सकते हैं। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद से परस्पर विपरीत दिशाओं में बने कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहे जाते हैं। चित्र में कोण एक कोण तीन का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, जबकि कोण दो कोण चार का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। कैंची के दोनों ब्लेड आपस में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। स्टैंड जो होता है सामान रखने का, अगर वो इस चित्र की तरह है तो वो भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनाएगा। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान होते हैं। कोण एक चित्र में देख सकते हैं, कोण एक का मान अगर निकालेंगे तो वो 180 में से कोण दो को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरह से कोण तीन का मान अगर निकालेंगे तो उसे 180 में से कोण दो को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कोण एक कोण तीन के बराबर है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण दो कोण चार के बराबर होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएँ, जब दो या दो से अधिक रेखाएं अथवा रेखाखंड किसी उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरे तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। चित्र में कई रेखाएं हैं, रेखा ए बी है, रेखा डी सी है, रेखा ओ ई है। ये सभी रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु ओ से गुजर रही हैं, अतः इन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कह सकते हैं। तिर्यक छेदी रेखा, एक ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उन्हें हम तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। चित्र में तिर्यक छेदी रेखा दिखाई गई है। अगर दो सड़कें हैं, उनको एक सड़क काटे तो उन्हें हम तिर्यक छेदी रेखा के रूप में मान सकते हैं। दो रेखाओं के लिए असंख्य तिर्यक छेदी रेखा खींची जा सकती है। चित्र में रेखा एल एक रेखा है, रेखा एम दूसरी रेखा है और रेखा पी उन्हें काटती है, तो रेखा पी एल तथा एम की तिर्यक छेदी रेखा कही जाएगी। जबकि दूसरे चित्र में चूंकि सभी रेखाएं सिर्फ एक बिंदु से होकर गुजर रही हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु है जो जहां पे एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए ये तिर्यक छेदी रेखा नहीं कही जाएंगी। समानांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं। पहला, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होते हैं। एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्म समान होते हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, चित्र में एल तथा एम दो रेखाएं हैं और रेखा पी उनको दो भिन्न बिंदुओं पर काट रही है, तो इस प्रकार एल तथा एम की पी तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। आइए हम देखते हैं कि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा कौन कौन सी स्थितियां प्राप्त होती हैं। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा कुल कितने अंतः कोण प्राप्त हो सकते हैं। चित्र में कोण तीन कोण चार कोण पाँच और कोण छः तिर्यक छेदी रेखा के अंतः कोण कहे जाएंगे, जबकि कोण एक कोण दो कोण सात एवं कोण आठ इनके बाह्य कोण कहे जाएंगे। तिर्यक छेदी रेखा जब किन्हीं दो रेखाओं काटती है तो संगत कोणों के युग्म भी हमें प्राप्त होते हैं। चित्र में
कोण एक और कोण पाँच, कोण दो और कोण छः, कोण तीन और कोण सात तथा कोण चार और कोण आठ संगत कोणों के युग्म हैं। एकांतर अंतःकोणों के युग्म को हम देखेंगे। कोण तीन और कोण छः तथा कोण चार और कोण पाँच एकांतर कोणों के अंतः युग्म हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का युग्म कोण तीन और कोण पाँच तथा कोण चार और कोण छः कहलाएगा। समांतर एकांतर बाह्य कोणों के युग्म को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। कोण एक और कोण आठ तथा कोण दो और कोण सात एकांतर बाह्य कोणों का युग्म है। संगत कोण और एकांतर कोण को हम अंग्रेजी के F तथा Z आकार के रूप में भी समझ सकते हैं। जो संगत कोण होते हैं वो अंग्रेजी के F आकार में पाए जाते हैं, जबकि एकांतर कोण अंग्रेजी के Z आकार में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज कोणों और कोणों के विभिन्न प्रकार के बारे में अध्ययन किया। बिंदु क्या होती है, बिंदु से कोण किस प्रकार बनते हैं, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, कोणों के विभिन्न प्रकार जैसे कि न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण क्या होते हैं, और तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बने कोण कौन कौन से होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, इनके बारे में जाना। धन्यवाद। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बनके दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर NIOS के साथ। आप भी जुड़िए NIOS के संग। पच्चीस साल का लंबा सफर और लाखों लोगों के चेहरों पर खिलती मुस्कान, गर्व और गरिमा से जीने की प्रेरणा देती मुस्कान, आत्मसम्मान और विश्वास से पैदा हुई मुस्कान, इन खिलते चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है, या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है, ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बड़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक, NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है। हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रिबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमय ज्योत सिंह, NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गाँव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं, अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी।